हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ कम व्हाट मे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कम व्हाट मे है क्या। कम व्हाट मे एक फ्रेज है। इस फ्रेज का यूज़ हम उस सिचुएशन में करते हैं जहां पर हम ये बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं नहीं करूँगा या फिर ये मैं करूँगा, तो वहाँ पर हम कम व्हाट मे फ्रेज का यूज़ करते हैं। और इस फ्रेज का यूज़ हम नेगेटिव वे या पॉजिटिव वे दोनों में कर सकते हैं। कम व्हाट मे का मतलब होता है जो भी हो, या फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन सभी को इंग्लिश में बोलते हैं कम व्हाट मे। तो चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल है कम व्हाट मे, आई विल नॉट लूज करेज। इस सेंटेंस में कम व्हाट मे का मतलब है चाहे कुछ भी हो, आई का मतलब है मैं, विल नॉट लूज का मतलब है नहीं हारूंगा, करेज का मतलब है हिम्मत। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा चाहे कुछ भी हो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। कम व्हाट मे आई विल नॉट लूज करेज। नेक्स्ट सेंटेंस है कम व्हाट मे आई विल डू दिस टास्क। इस सेंटेंस में कम व्हाट मे का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, आई का मतलब है मैं, विल डू का मतलब है करूंगा, दिस का मतलब है ये, टास्क का मतलब है काम। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूँगा। कम व्हाट मे आई विल डू दिस टास्क। तो कम व्हाट मे का मतलब है जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।